Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Rabia and hope you all are doing good. अच्छा आज मेरे पास डर्मा क्लीन का स्किन पॉलिश है और स्किन पॉलिश कौन नहीं करता या किसे करना नहीं आता, स्पेशली अगर हमने कहीं शादी ब्याह पर जाना हो या किसी भी किस्म को कोई फंक्शन आ जाता है घर पर, ईद आ जाती है या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो हमने स्किन पॉलिश ज़रूर करना होता है क्योंकि इससे हमारे जो फेशियल हेयर हैं वो गोल्डन हो जाते हैं और हमें इंस्टेंटली वाइटनिंग इफेक्ट मिलता है. और जब हमने इंस्टेंटली वाइटनिंग इफेक्ट लेना होता है ना, तो हम हर तरह के DIYs को, होम रेमेडीज़ को भूल जाते हैं और हम आते हैं स्किन पॉलिश की तरफ. कुछ लड़कियों का कहना ये है कि जब वो घर पर स्किन पॉलिश करती है ना, तो उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट्स या इफेक्ट्स नहीं आते जितने अच्छे रिजल्ट्स उन्हें पार्लर में जाकर स्किन पॉलिश करवा कर मिलते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उनका एक माइंड सेट है. अदरवाइज़ आप घर पर भी बहुत ईजी और इफेक्टिव वे में स्किन पॉलिश कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स भी पार्लर जैसे ही अच्छे मिलते हैं, बल्कि आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आप जितने पैसे पार्लर में देकर आते हो ना, उससे कम पैसों में आप अपने स्किन पॉलिश की चीज़ें लेकर 10 दफ़ा घर पर स्किन पॉलिश कर सकते हो. अगर आप पॉलर जैसे रिजल्ट्स और पॉलर जैसे इफेक्ट्स चाहते हो, तो आप डर्मा क्लीन का स्किन पॉलिश घर पर लेकर आओ. इसकी ये जो छोटी बॉटल है, इसके अंदर इनका ब्लीचिंग पाउडर ऐड है और बड़ी बॉटल में डेवलपर होता है. और ये 150 ml की बॉटल है. ये डर्मा क्लीन प्योर वाइट है और 20 वॉल्यूम है इसका. अच्छा जी, ये आपको 450 रुपये में स्किन पॉलिश मिल जाएगा और 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है. वैसे तो फेशियल हेयर गोल्डन करने के लिए तरह तरह की ब्लीच क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में. इनफैक्ट उनके साशे पैक्स भी आपको मिल जाते हैं 10-15 रुपीज़ में, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ कुछ अच्छा नहीं है. मतलब आपके बाल तो गोल्डन कर देती हैं ये ब्लीच क्रीम्स, लेकिन इससे जो आपका फेस का टेक्स्चर है, जो आपका कलर है ना, वो डल होने लगता है, डे बाय डे डार्क होने लगता है. मतलब जब आप इसको अप्लाई करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट भी मिलता है और आपके बाल भी गोल्डन हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो आपका कम्प्लेक्शन जो है वो डार्कर होना शुरू हो जाता है. ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना. हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा ना होता हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ स्किन पॉलिश को और डर्मा क्लीन का स्किन पॉलिश बहुत ही अच्छा है. अच्छा जी, अब अगर आप चाहते हो कि आपको 10 टाइम अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप इसके अंदर स्किन शाइनर भी ऐड कर सकते हो. इनफैक्ट पॉलर्स वाली भी स्किन शाइनर को ऐड करती हैं, सूदिंग लोशन ऐड करती हैं, वाइटनिंग पाउडर ऐड करती हैं, तो आपका एक अच्छा सा स्किन पॉलिश बन जाता है. अच्छा जी, ये जो स्किन शाइनर है ये सॉफ्ट टच का है और आई थिंक 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा. इससे क्या होता है कि एक तो आपकी स्किन को अच्छा ग्लो मिलता है, एक शाइनी इफेक्ट मिलता है, और ब्लीच करने के बाद जो आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है इसको ऐड करने के बाद. फिर स्किन पॉलिश में ऐड किया जाता है वाइटनिंग पाउडर, और ये वाइटनिंग पाउडर भी सॉफ्ट टच का है और इसकी कीमत आई थिंक 150 रुपीज़ है या इससे कम होगी. कुछ लोग वाइटनिंग पाउडर की जगह वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करते हैं, आपकी मर्ज़ी है. आपने वाइटनिंग पाउडर ऐड करना है तो इसको ऐड करो, कैप्सूल ऐड करना है तो कैप्सूल ऐड कर लो. अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी स्किन पॉलिश को रेडी करें, उसको मिक्स करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को हिट करें. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें. ओके, तो स्किन पॉलिश को रेडी करने के लिए आपने पहले एक साफ़ सुथरा सा बर्तन लेना है और उसके अंदर आप ऐड करो 2 टीस्पून डेवलपर का, और डेवलपर ऐड करने के बाद आपने 1 टीस्पून यानी कि हाफ, जितना आप डेवलपर लेते हो ना उसका हाफ आपने जो पाउडर होता है यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऐड करना होता है. मतलब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डेवलपर लिया है, तो आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का ऐड कर देना है. ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने के बाद आप इसके अंदर स्किन शाइनर ऐड करोगे. मुझसे बहुत ही थोड़ा सा स्किन शाइनर इसके अंदर डला है, लेकिन आप 1 टीस्पून स्किन शाइनर का इसके अंदर ऐड करोगे और उसके बाद आप 1/2 टीस्पून जो है ना इस वाइटनिंग पाउडर का इसके अंदर ऐड करोगे. वाइटनिंग पाउडर को भी ऐड करने से पहले आप इसकी एक्सपायरी चेक कर लिया करो कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्योंकि स्किन पॉलिश तो हम बहुत रेयरली करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो ये चीज़ें पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, तो आप इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें. अच्छा, इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से ब्रश की मदद से मिक्स करो, और मिक्स आपने हमेशा इसको क्लॉकवाइज आप इसको मिक्स करो. मतलब एक ही साइड पे आपने हमेशा इसको मिक्स करना है, एंटी क्लॉकवाइज आप इसको मिक्स नहीं करोगे ब्लीच क्रीम को, ठीक है. और आप इतनी देर तक इसको मिक्स करते रहें जब तक कि ब्लीचिंग पाउडर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और किसी किस्म का कोई भी पाउडर का जो दाना है वो आपको नज़र ना आए. अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, देन आपने इसको अप्लाई करना है.
ओके जी, तो स्किन पॉलिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जब ये रेडी हो जाती है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया करो ताकि ये फूल जाए, और फूलने के बाद आप इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, स्किन के ऊपर अप्लाई करने से पहले आप पूरी कोशिश करो कि अपने चेहरे की क्लिंजिंग करो, क्योंकि क्लिंज किए हुए फेस के ऊपर जब आप स्किन पॉलिश करते हो ना तो आपको 10 टाइम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसको अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट करना लाजमी होता है, क्योंकि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। पैच टेस्ट करो, इसको अपने हाथ के ऊपर या बाजू के ऊपर अप्लाई करके देख लो कि आपको किसी किस्म की कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही, कोई रैशेस तो नहीं पड़े। अच्छा, इसको जब आप अप्लाई कर लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट तक इसको अपनी स्किन के ऊपर लगा रहने दो, उसके बाद आपने इसको वॉश आउट कर देना है। कुछ लोग होते हैं कि स्किन पॉलिश को अप्लाई करते हैं फिर उसके ड्राई होने का वेट करते हैं, इतना लंबा वेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट या 12 मिनट तक इसको लगा रहने दो, उसके बाद आप इसको उतार दो। और इसको ठंडे पानी से उतारना चाहिए, और जब गर्मियाँ होती है ना तो जब आप इसको उतार देते हो तो फिर बर्फ़ के क्यूब्स लो और उससे अपने चेहरे की टकोर करनी चाहिए। ओके जी, तो स्किन पॉलिश को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो कि मुझे इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अंदर जो मैंने स्किन शाइनर ऐड किया था उसकी वजह से बहुत ही अच्छा शाइनी ग्लो मिला है, शायद आपको इस कैमरे में इतनी अच्छे से नज़र ना आ रहा हो। और इसके अंदर जो मैंने वाइटनिंग पाउडर ऐड किया है तो अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट भी मिला है। इसको आप अपने नेल्स के ऊपर भी ज़रूर अप्लाई करो ताकि आपके नेल्स जो येलो हो रहे होते हैं नेल पेंट की वजह से, तो स्किन पॉलिश से वो वाइट हो जाते हैं। फिर स्किन पॉलिश को आप अपने हाथों पैरों के ऊपर भी इक्वली यूज़ कर सकते हो। हाथ पैर जो आपके काले हो रहे होते हैं इनके ऊपर जो टैनिंग आ रही होती है ना वो भी इंस्टेंटली रिमूव हो जाती है और इन्हें एक अच्छा वाइटनिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करो, अच्छी नहीं लगी तब भी लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ लगे बेल आइकन को हिट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।